वजाइनल लूजनेस के साथ आपने घर बैठ के ये सोच के कि अब बस ये बच्चे पैदा हो गया, मुझे इसी तरह जिंदा रहना है, ऐसी बात नहीं है। वजाइनल लूजनेस के बारे में मुझसे बहुत क्वेश्चंस किए जाते हैं, एंड आई गॉट लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस हियर एज वेल। ये इसलिए होती है कि जब बेबी पैदा होता है, जब वो जहाँ से गुजरता है तो ऑब्वियसली वो चीज़ें स्ट्रेच होती हैं और फिर वो 100% वापस नहीं आती हैं। कुछ लोगों में कम होती है, कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा होती है। इसकी वजह ये होती है कि कुछ लोगों में आपने देखा होगा स्ट्रेच मार्क्स ज़्यादा आते हैं, कुछ लोगों में बिल्कुल ना होने के बराबर होते हैं। ये हर एक की स्किन और टिश्यू टाइप पे डिपेंड करता है। सो उसका आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन चाइल्ड बर्थ के बाद वजाइनल लूजनेस होती है। अगर आपको महसूस हो रही है या नहीं हो रही है, उस पर काम आपने फौरन शुरू कर देना है, वंस द बेबी इज बॉर्न। जो जिनको कहते हैं ना कीगल एक्सरसाइजेस, KEGEL कीगल एक्सरसाइजेस, जो आपको हर जगह मिल जाएंगी, वो आपने कोशिश करनी है कि वो बेबी के पैदा होने के बाद फौरन शुरू कर दें। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो उस पर काम करें। और ये जनरल एक्सरसाइजेस जिनमें आपके लोअर बेली के और बटक्स के और नीचे के मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। फिर एक पॉइंट आता है कि जिस पे आपको ख्याल आता है कि यार इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा आपकी लाइफ में। आपको कुछ इवेंट्स बताते हैं कि आप कर रहे हो लेकिन लूजनेस को फ़र्क नहीं पड़ रहा, दैट्स व्हेन आपने हमारे पास आना होता है। हमने दो चीज़ें असेस करनी होती हैं, एक्चुअल लूजनेस है कितनी। हम तो सारा वक्त ये काम कर रहे होते हैं, हमें अंदाज़ा होता है किसकी कितनी प्रॉब्लम है, किसको खुद अभी और काम करने की ज़रूरत है, किसको हम नॉन सर्जिकल ऑप्शंस दे सकते हैं और किसको सर्जरी करनी है। नॉन सर्जिकल ऑप्शंस में जो फोटोना लेज़र होता है, उसकी एक हैंड हेल्ड डिवाइस होती है, वो अंदर इंसर्ट करते हैं, वो लेज़र से टिश्यूज़ को रिजुविनेट करती है, वो नया कॉलेजन बनाते हैं, उससे टाइटनिंग होती है। दूसरी चीज़ जो एक हम नॉन सर्जिकल में है, एमसेला चेयर में आप सिर्फ ऊपर बैठते हैं, आप अपने कपड़ों में इसी तरह बैठ जाते हैं, वो नीचे से स्टिमुलेट करती है और आपको कीगल्स की मेबी 10-12,000 रेपिटेशंस वो एक सेशन में करा देती है, जिससे मसल्स की टोन अच्छी होती है और आप में जब खुद कीगल करते हैं तो और अच्छी तरह कर सकते हैं। फिर आते हैं हम एक्चुअल सर्जरी की तरफ। सर्जरी के लिए मैं ना सिर्फ फिजिकल असेसमेंट करती हूँ, मैं साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी करती हूँ। फिजिकल असेसमेंट में मुझे पता चल जाता है कि इस पे नॉन सर्जिकल मेथड्स काम करने वाले नहीं हैं, तो हम सर्जरी का प्लान करते हैं इस सूरत में, लेकिन अगर फैमिली कंप्लीट हो। क्योंकि अगर आपने सर्जरी के बाद एक और बेबी फिर वहीं से पैदा करना है, तो फिर नेक्स्ट सर्जरी शायद इतनी अच्छी तरह से हो ना सके। क्यों मैं साइकोलॉजिकल असेसमेंट करती हूँ? बिकॉज कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि अगर उनकी मैरिज में कोई इश्यूज हैं तो शायद इस सर्जरी से वो बेहतर हो जाए। ये सर्जरी एक मैरिज को, एक शादी को नहीं ठीक कर सकती, अगर और मसाइल की वजह से कपल प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। ऐसी सूरत में मैं रिफ्यूज़ कर देती हूँ सर्जरी। नेक्स्ट, आपने अगर सर्जरी का डिसीजन लिया है तो आपको मैं आपकी एक्सपेक्टेशन पूछती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आप अगर क्या सोच रहे हो और मैं आपके लिए कितना कर सकती हूँ। आफ्टर सर्जरी भी आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने होते हैं, जैसे आपने कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देनी, खांसी नहीं होने देनी, स्क्वाट नहीं करना, पाँव के बल नहीं बैठना, हैवी वेट ट्रेनिंग नहीं करनी, क्योंकि ये चीज़ें अंदर से प्रेशर डालती हैं और स्पेशली इमीडिएट पोस्ट ऑप पीरियड में। सर्जरी के बाद भी आपने कीगल एक्सरसाइजेस भी करनी है और कुछ लोगों को फिर मैं उसके बाद भी पीरियोडिक लेज़र ट्रीटमेंट या एमसेला चेयर का बताती हूँ, ताकि उनकी टोन अच्छी रहे और उनकी सर्जरी जितनी उनकी बाकी ज़िंदगी है उसमें उनको सपोर्ट करे और उनके लिए प्रॉब्लम दोबारा ना हो। सो वजाइनल लूजनेस के साथ आपने घर बैठ के ये सोच के कि अब बस ये बच्चे पैदा हो गया, मुझे इसी तरह ज़िंदा रहना है, ऐसी बात नहीं है। आपके लिए हमारे पास सोल्यूशंस है, आप आए हम बताएंगे। थैंक यू।